बेगूसराय में एक घड़ी दुकानदार को दुकानदारी करना उस समय महंगा पड़ गया जब अपराधियों द्वारा मांगी गई रंगदारी को पूरा नहीं कर सका और बदमाशों ने दुकानदार की न सिर्फ पिटाई की बल्कि दुकान के सामानों को तोड़ दिया और नगद 5,000 रुपए लेकर जान से मारने तक की धमकी दे डाली। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि घटना की लिखित जानकारी थाने में देने के बावजूद अपराधियों ने दोबारा दुकानदार को अपना निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ नगर थाने की पुलिस बेशुद्ध बनी रही। यह घटना बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित एक घड़ी दुकान की बताई जा रही है। प्रीत दुकानदार की पहचान नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 निराला नगर के रहने वाले स्वर्गीय लखन पंडित का पुत्र उपेंद्र पंडित के रूप में बताया जा रहा है। प्रीत ने आरोप लगाया है कि बीते 1 सितंबर को वह अपने दुकान पर बैठा था, तभी 3-4 की संख्या में आए बदमाशों ने उससे रंगदारी की मांग करने लगे और बदमाशों की मांग का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दुकान में रखे 5,000 रुपए नगद एवं सोने की चकती लेकर जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। उसने भयभीत होकर बताया कि घटना की लिखित जानकारी नगर थाने को देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आप सीसीटीवी फुटेज में बैकअप बदमाशों के मनोबल का तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह दुकानदार भय के साए में है और बदमाशों द्वारा सामान की तोड़फोड़ और उसकी पिटाई की जा रही है। प्रीत पुलिस की संवेदनहीनता को देख बदमाशों द्वारा जान से मारने की मिली धमकी के बाद भय के साए में जीने को मजबूर है। उसने पुलिस प्रशासन से जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है ताकि घर परिवार भयमुक्त जीवन बसर कर सके। को 7:15 बजे कुछ आदमी आया। कहाँ आया? पटेल चौक मेरी घर की दुकान है। अच्छा। स्टैंडर्ड टाइम सेंटर एक्सिस बैंक के नज़दीक है, वहाँ पे आया और उसमें जो है सब मार्केट पिस्तौल दोनों साथ के हाथ में था, 3 आदमी से था और कहा रंगदारी टैक्स दो नहीं तो गोली मार देंगे और पिस्तौल था उसके पास और मार्केट में जो है तो मेरा 5 सोना का चेन था वो छीन लिया है गया से और 5,000 रुपया जो है गया में था वो छीन के भागे और कहा कि तुम पुलिस को कहोगे गोली मार देंगे कोई तुमको बचाने वाला नहीं। इसके पहले भी आपके दुकान में घटना घटी है? जी नहीं, इसके पहले नहीं घटी है। कितना रंगदारी मांगा? 2,00,000 रुपया कहता है कि तो नहीं तो मार देंगे गोली। अपराधी प्रवृत्ति का है और 3 आदमी था तो उसमें हम किसी को पहचाने नहीं, 1 आदमी है सुनू साहब उसको पहचान रहे हैं। तो इसकी इस घटना की जानकारी आप थाना को दिए हैं? थाना को दिए हैं सर, लेकिन थाना सुनवाई में हो रही है और हम दहशत में हैं कि हमको किसी समय मर्डर कर सकता है वो लोग, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और गए कहने के उसके बाद कल होके 2 तारीख को भी सामने आया है और मारपीट किया है, कान में कस के चोट लगी है और हम डॉक्टर के यहाँ आए हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए। दोबारा 2 तारीख को भी मारा है? जी जी जी, 2 तारीख को शाम में 7:30 के आसपास तो पुलिस नहीं आई है अभी तक नहीं और डर से हम दुकान नहीं खोल रहे हैं
की पता है मेरा मदद हो जाए और मेरे परिजन माल के परिवार का जो है सब किसी में क्षति हो जाए, लोग अपराधी परिस्थिति का आदमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र पंडित है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय अखंड पंडित है। घर कहाँ हुआ? निरा नगर है, वार्ड नंबर 21 में आते हैं। दुकान पटेल चौक पर है? हाँ, पटेल चौक पर। कितना दिन से दुकानदारी कर रहे हैं वहाँ? दुकानदारी 25-30 वर्ष से कर रहे हैं। 30 वर्ष से? BNP News के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट।